नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी, लेकिन बीजेपी की कोशिश कितनी सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी को बातों की खेती करने वाली पार्टी कह दिया। खैर, बीजेपी को पता है कि अगर किसानों को साध लिया जाए तो 2022 में जीत दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की जीत में रोड़ा सिर्फ विपक्ष ही नहीं बन रहा है, बल्कि राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी कर चुके हैं। तो आगामी चुनाव से पहले क्या ये सम्मेलन रूठों को मनाने में कामयाब होगा, यानी कि किसान जो रूठे हुए हैं क्या उन्हें बीजेपी मना पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार कुछ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत ने दिल्ली से यूपी की राजधानी लखनऊ की ओर कूच किया और यूपी की योगी सरकार को साफ चेतावनी दे डाली। वहीं योगी सरकार ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि ये दिल्ली नहीं यूपी है और यहाँ किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैर, अब बीजेपी भी किसानों का दर्द समझने और उनको अपने पाले में लेने के लिए 16 से 25 अगस्त तक प्रदेश में चौपाल लगाएगी। लेकिन बीजेपी किसान चौपाल करे उससे पहले ही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों तक पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा पार्टी ने किसानों को याद किया है, क्योंकि वे जल्द ही अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में उभरेंगे। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि किसान जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी के झूठे वादों के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसान 2022 में भाजपा के खिलाफ सामूहिक रूप से मतदान करेंगे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा, सुना है बातों की खेती करने वाली भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले भाजपा की किसानों तक पहुंचने के लिए राज्य में किसान सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। भाजपा 16 से 23 अगस्त तक किसान संपर्क कार्यक्रम संवाद शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी के किसान नेता पश्चिमी यूपी के 104 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा किसानों की एक विशाल बैठक 25 अगस्त को लखनऊ में होगी और उसके बाद 5 से 10 दिसंबर के बीच मेरठ में किसान सम्मेलन होगा। इसके अलावा भगवा पार्टी यूपी के हर गांव में किसान चौपाल का भी आयोजन करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर वर्ग को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रही है और विपक्ष को ये पता है कि अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है तो उसे रोकना ना सिर्फ 2022 में मुश्किल होगा, बल्कि 2024 में भी बीजेपी का रथ यूं ही दौड़ता रहेगा। इसी के चलते विपक्ष बीजेपी के हर कार्यक्रम से पहले बीजेपी को घेरना शुरू कर रहा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो 104 बहुल किसान विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी उतरेगी और किसानों को मनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। इसी पर और चर्चा करेंगे कि किसान क्या इसको लेकर मानने वाले हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से शबनम पांडे जी मौजूद हैं, सपा से विवेक पांडे, साथ ही साथ हमारे साथ कमलेश यादव जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शबनम जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से 104 विधानसभा बहुल्य सीटें हैं किसानों की, उनसे अब आप कर उतरेंगी वहां पर और संवाद करेंगी, तो क्या लगता है मनाने की जो ये कोशिश है इसमें कितनी कामयाब होंगी? ठीक है, शबनम जी से बात मिलेंगे। कमलेश जी आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका, जिस तरह से अब मनाने की तैयारी शुरू हो गई है किसानों की, किसान सम्मेलन करने जा रही हैं तमाम पार्टियां, तो क्या लगता है क्या जो आपकी मांगे हैं और क्या आप मानने वाले हैं, क्योंकि आपका लगातार 10 महीने से ज्यादा हो रहा है किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उठा रहे हैं, अपनी मांग कह रहे हैं। 9 महीना लग गया भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने में कि ये किसान हैं, इनसे बात किया जाए। अब ये गांव जाएं या घर चले जाएं, बात आने और जाने की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि ये हमारे मुद्दे पे हम बात क्यों नहीं करते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए गांव से चल करके दिल्ली पहुँच गए हैं। आज 9 महीना 26 तारीख को पूरे होने वाला है, 600 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर करके हमको ठगने का काम करेगी, ये नहीं होने वाला है। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो कहते हैं ये जाएं गांव में जा करके ये देखें, स्वागत के लिए हमारे भाई और हमारे पिता तुल्य जो सब तैयार हैं, ये जाएं तो निकल के। इनके जो नेता हैं वो ढूंढे नहीं मिल रहे। आज आपको बताएं कि एक चैनल का कल हमारे यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ था जो आप लोगों के द्वारा चलाया जाता है कि हमारे विधायक जीरो हैं या हीरो हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास समय नहीं है, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कौन जाएगा? जाने के लिए तैयारी करें, मैं तो कह रहा हूं जाएं, क्यों नहीं जाते हैं ये तो बताते हैं, खाली हम जाएंगे तैयारी करेंगे। अगर ये आते हैं आपके घरों में तो आप क्या स्वागत करेंगे इनके सम्मेलन? नहीं, बिल्कुल स्वागत करेंगे, मनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्वागत होगा, स्वागत, ये हमने इनको वोट दिया है तो हम इनका स्वागत भी करेंगे। अगर मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा पिता उस दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गया है, उसको उनका उसी तरीके से स्वागत किया जाएगा जिस तरीके से इन्होंने 4 साल हमारे साथ जो बर्ताव किया है, उस बर्ताव के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत का पूरी तैयारी है गांव ग्रामीण में, हर जगह मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सवाल कौन से होंगे जब बीजेपी आएगी आपके शहर में, आपके पास आएगी, जब आपसे संवाद करने की कोशिश करेगी आपके इलाके में आके, तो वो कौन से प्रश्न होंगे जो आप लोग तैयार करके बैठे हैं कि हाँ नहीं हम ये पूछेंगे बीजेपी से कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कहा, हमारा वही सवाल है, हमारा वही बार बार बात है, उसी के लिए हम गांव से चल करके दिल्ली पहुंच गए हैं। इनको वहां जवाब देना चाहिए, वहां बीच में आकर के बैठना चाहिए, क्यों नहीं बात करते हैं? हम इनको गांव नहीं बुला रहे हैं, हमने तो इनको दिल्ली भेजा है, दिल्ली हम भी पहुंच गए हैं, वहां बैठ करके आमने सामने बात करें, चर्चा करें। इनके गांव जाने से वहां भी तैयारी है, वहां भी तैयारी है, हर जगह तैयारी है, बात तो करें, कोई करने के लिए तो आए, हम तो बराबर इनका स्वागत कर रहे हैं, क्यों नहीं बीच में आ रहे हैं? आज नहीं 1000 बार कर रहे हैं। ठीक है शबनम जी, आपका क्या कहना है, जिस तरह से वो कह रहे हैं हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, प्रश्न भी उनके तैयार है, क्योंकि 16 अगस्त से जो आपने तैयारियां की हैं सम्मेलन करने की, और कामेश्वर जी ने कहा है कि वो गहराई तक जाएंगे और चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे गहराई में जाके कि किसानों की समस्याएं क्या है, तो किस हद तक की गहराई में जाने वाले हैं? देखिए सबसे पहली बात, अगर किसानों की स्थिति पिछले 70 सालों में बहुत ही बेहतर होती, आर्थिक स्थिति में हर साल बढ़ोतरी होती रहती, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से किसान दिन पर दिन उसकी आर्थिक स्थिति बदतर होती गई और किसान को पैदावार अपने बनाए रखने के लिए जो लागत लगती थी वो भी दिन पर दिन बढ़ते चले गए, और उसके फलस्वरूप तमाम किसान आत्महत्या करने लगे और बचे कुचे जो किसान थे वो ऋण तले दबते रहे, और एक राजनीतिक एजेंडा बनता चला गया कि जब भी चुनाव आते थे जो सत्ता दल होता था वो बार बार यही लालच देते थे कि हम ऋण माफ कर देंगे, हम ऋण पर कभी भी किसी भी सुधार के कार्य के लिए कोई कानून बनाने का नहीं सोचा। हालांकि जो कानून हमने बनाया है उन कानून में जो भी बिंदु है उन सब बिंदुओं पर लगातार वो चर्चा करते थे और आश्वासन देते थे, और
तमाम बड़े विपक्षी दल इस बात का आश्वासन देते थे कि हम सरकार में आएंगे तो ये लागू करेंगे, और वो बात आई गई रह जाती थी। जब हमने ये तीन कानून बनाए और जिसमें कि तमाम तरीके से किसानों के सुधार की बात रही, और हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, अपने कार्यकाल में लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने देश और प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई। पहली बार देश में किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए मिला, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को 3,000 का किसान मान पेंशन मिला, और तमाम किसान के उपकरणों में सब्सिडी के साथ साथ नीम कोटिंग यूरिया का प्रबंध कराया, डीएपी जो 2400 में बोरी मिलता था उसको 1200 में किया, सॉइल कार्ड बना, क्रेडिट कार्ड बना, तमाम ऐसी चीजें मैं गिना सकती हूँ। माफी के भुगतान के मोहताज नहीं है, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए अगर आप सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को जोड़ के गन्ना भुगतान का अगर इस समय बकाया है तो उस भुगतान का कब तक उसका किया जाएगा वो बता दीजिए, क्योंकि गन्ना भुगतान अभी तक बाकी है। मैं इस बात को कहती हूँ कि कितना हमने भुगतान कर दिया उस पर आप चर्चा कभी नहीं करते हो, आप बच गया उस पर चर्चा करते हो। हमने तो सपा और बसपा के कार्यकाल का भी भुगतान किया है, उस पर भी चर्चा करिए। उन सब दोनों सरकारों ने बकाया छोड़ा था उसको भी हमने भुगतान किया, 1.25 लाख करोड़ का भुगतान हमने किया है, जो कि आज तक के इतिहास में किसी सरकार में नहीं किया। जी, आप किसान सम्मान कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो जब आप जाएंगी तो वहां पर किसानों का सवाल तो यही होगा ना कि गन्ना भुगतान क्यों नहीं हुआ। नहीं, हम किसानों के सभी सवालों का जवाब देंगे और किसानों को ये भी बताएंगे कि किस तरह पुरानी सरकारों ने आपके साथ किया और क्या हमने किया जी। वो किसानों को अगर देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बात का एहसास नहीं होता तो वो भी पंजाब के किसानों जैसा जाके दिल्ली में बैठे होते, पर आज उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में और काम कर रहे हैं, और उन्हें हम ये बताएंगे कि हमने आपको क्या क्या सुविधाएं और आपके कृषि क्षेत्र में सुधार के कितने कार्य किए हैं, जो कि आज तक की सरकारों ने उसे छूने से भी इनकार किया। वो तो ऋण तले दबा के आत्महत्या करने या चुनाव के दौरान ऋण का लालच देने में लगे रहते थे। लगातार चला आ रहा है, 10 महीने होने को आ रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश के किसान कहीं शामिल नहीं है? शबनम जी, आप ये कहना चाहती हैं? देखिए, जो इतना बड़ा आंदोलन चला रहा है, 14 बैठकें हमारी सरकार ने की, और अगर वो कानून उस वक्त से लागू है तो बताइए उसके लागू होने से किस किसान की जमीन उद्योगपतियों ने छीन लिया, जो किसान मंडी के बाहर बेचना चाहे उन्हें क्या नुकसान हुआ, ऐसी एक भी खबर नहीं अखबारों में छपी होगी या चैनल पे आए होंगे कि इतने दिनों में जो किसान कानून लागू रहा है ना, कि जिन किसानों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं उन्हें ही वो कानून स्वीकार नहीं है। आश्चर्य तो इसी बात की है कि जिस कानून को पारित होने तक हर कोई उसको लाने की बात और उसको एक अच्छा कानून बताता था, उसके कुछ ही महीने बाद यू टर्न लेते हुए विपक्षी दलों के उसकाने से या जो भी वजह रहा हो, इस कानून पे जिस तरीके से हंगामा हुआ, हम उसके हर बिंदु को समझाने को तैयार हैं, और जहां पे कहीं कोई कमी होती है, सरकार ने बार बार कहा है कि हम उस पर बैठ के चर्चा करेंगे, क्या सुधार किया जा सकता वो भी करेंगे, और सरकार संशोधन को भी तैयार थी। पर ये कहना सिरे से कि हम ना बात करेंगे, बस किस कानून को रद्द करो, तो ये किसान कानून को रद्द करने का काम सड़कों पे नहीं होता है, ये संसद में होता है, और हमें लोकतंत्र की गरिमा और सम्मान बनाए रखना चाहिए। ठीक है शबनम जी। कमलेश जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि मनाने के लिए आप ही लोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या सवाल होंगे अभी से बता दीजिए ताकि तैयारियां पूरी हो जाए शबनम जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शबनम जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यूपी का किसान दिल्ली में नहीं दिख रहा है तो इतनी चिंता क्यों सता रही है कि पूरे नेता मंत्री गाँव भागे जा रहे हैं और गाँव में ढूंढने नहीं मिल रहे। 4 साल लग गया है हम लोग ढूंढने कि जो नेता जो विधायक हमारे बीच में 4 साल पहले वोट मांगने आए थे वो विधायक कहां है। मैंने तो शकल नहीं देखी उन विधायकों की, 10 बार बुलाता हूं, काम पड़ता है जाता हूं, लेकिन सामने नहीं दिखते हैं।
कल की बहुत बड़ी घटना में बताऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा। इसी लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर एक लड़की को मार दिया गया था, वो पॉइंट पे मैं बाद में बात करूंगा। कोई दिखा नहीं, जो गरीब रो रहा है चिल्ला रहा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपको उत्तर प्रदेश का किसान नहीं दिख रहा है तो आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आपने बताया गन्ना का पैसा आपने कितना दे दिया है, आप बताइए पिछली सरकारों ने कितना रेट बढ़ाया था और आपने कितना रेट बढ़ाया है। और आप रही कानून की बात, शबनम जी, जब कानून ये वहां तैयार किया जा रहा था तब से मैं बराबर झगड़ रहा था। हम क्या हमारे साथी रोड पर थे, लठ खा रहे थे, बराबर विरोध कर रहे थे, तब कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोल रहा था? रही खाद की बात, डीएपी कितने की मिलती थी और आज कितने की मिल रही है, 50 किलो से 45 किलो आ गई, इस पे क्यों नहीं आप जवाब देती? आपसे 2000 रुपया मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे 2000 रुपया, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे 1 रुपया कर्जा। आप हमारी फसल का सही रेट दीजिए, एमएसपी पे कानून बनाइए, जो मैं मांग रहा हूं। यहां गांव से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक किसान अपनी आवाज उठा रहा है, आपको किसान नहीं दिख रहा है, आपको उत्तर प्रदेश का आदमी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। अभी भी मैं 15 दिन रह के आया हूं, एक एक बॉर्डर पे हम लोग जाते हैं, एक एक आदमी का नाम बता देंगे, कौन कौन जाता है, कौन क्या प्रदर्शन करता है, कौन आवाज उठा रहा है। अगर आपको नहीं दिखता तो फिर चिंता किस बात की? शबनम जी, आपको पहले ही कमलेश जी ने वो प्रश्न, वो सवाल तमाम बता दिए हैं कि जब आप उनके बीच जाएंगे तो वो कौन सी चीजों को लेकर आपसे सवाल करेंगे। उन्हें आपके वो 2000 रुपए नहीं चाहिए, उनको अपने हक का पैसा चाहिए, उनको गन्ना मूल्य बढ़ाइए, उनका जो 175 बिजली चल रही है उसको कम करिए, ये तमाम मांगे होंगी, आपसे जवाब लूंगी मैं। लेकिन उससे पहले विवेक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका क्या कहना है? भाजपा के नेता लगातार ये चीज कह रहे हैं कि जब से उन्होंने किसान सम्मेलन की बात की है तब से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी घबरा गई है, और उसी घबराहट का ये तमाम नतीजे दिख रहे हैं कि जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं सम्मेलन को लेकर। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी इस सम्मेलन के चलते घबरा गई है? प्रणाम करता हूं मैं कि इस तरीके से आधुनिक भारत में जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन को एक सत्याग्रह के रूप में परिभाषित करते हुए लगातार जारी रखने का काम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और ये भारत के विकास और आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर को अंतर्राष्ट्रीय पटल के सामने रखता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कीर्ति जी अभी सुन रहा था, इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि 6000 रुपए प्रतिवर्ष। अब आप एक बात समझिएगा, इसका तुलनात्मक आकलन पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो 6000 रुपए जो ये दिए जा रहे हैं उसके अनुसार 16.43 पैसे प्रतिदिन, 16.43 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हुए, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे 25 से 30 रुपए किसान सम्मान निधि लागू होने के बाद बढ़ोतरी हो चुकी है। कोई भी किसान या उसके परिवार का सदस्य 1 लीटर डीजल या पेट्रोल भी उपयोग करता है प्रतिदिन, तो आप खुद सोच लीजिए कि 16 रुपए सम्मान निधि के अनुसार 1 लीटर पे 25 रुपए वो अन्न दे रहा है। और अगर ये आप ट्रैक्टर और अन्य दूसरे किसानों की बात करेंगे, बड़े किसानों की, तो मुझे लगता है कि इनकी जो सम्मान निधि का जो ये प्रोपोगेंडा रखते हैं वो तो कहीं टिकता ही नहीं इसके सामने। दूसरी बात, ये मेरा सवाल भी है जो मैं दूसरा पूछने जा रहा हूं। एक कानून इन्होंने बनाया कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, है ना, करार विधेयक 2020। मुझे बस इसका एक जवाब इसमें ये दे दें कि इस देश के किसी भी कानून में कहीं भी विवाद पैदा होने की स्थिति में ऐसे आर्टिकल 19 के अनुसार सिविल राइटों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता कि विवाद की स्थिति में वो न्यायालय नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कोई भी विवाद होगा तो 30 दिन के अंदर पहले वो किसान निपटाए, और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाएगा। 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल होगा जिसमें केवल SDM अधिकारी मौजूद होंगे। तो मेरा तो सबसे पहले करबद्ध निवेदन यही है, इस कानून की मंशा ऐसी क्या है कि केवल और केवल इस कानून में विवाद की स्थिति में न्यायालय जाने पर प्रतिबंध है, केवल और केवल ट्रिब्यूनल तक ही अधिकरण को सीमित कर दिया गया। और दूसरी बात, अभी जो इन्होंने किसान कानूनों की वाहवाही की, तो मैं आपको बता दूं किसान कानूनों के नकारात्मक प्रभाव आने शुरू हो चुके हैं, 1.5 गुना तक महंगाई बढ़ चुकी है, खेती करने की प्रभाव है। विवेक जी,
जी मैं तो पूछ रहा हूँ ना, एक बात बताइए कीर्ति, इस देश का ऐसा कौन सा आईपीसी सीआरपीसी का कानून है जो आपको न्यायालय जाने से रोकता है? लेकिन वो इसी कानून के लिए तो मनाने जा रही है ना 104 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर किसानों का पूरा बाहुल्य इलाका है, तो वहाँ पर इसीलिए विचलित हो रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। मसला ये है कि आपने जब कानून बनाया तो आपने किसानों के सिविल राइट्स को प्रतिबंधित क्यों किया, उसके पीछे आपकी नियति क्या थी, इस बारे में ये जवाब दे दे पहले। इस बारे में हम जवाब ले लेते क्योंकि उन्हें जवाब कई सवालों के देने हैं। शबनम जी, आप विवेक जी का सवाल का जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो सवाल पूछे हैं कमलेश जी ने कि उन्हें 2000 राशि नहीं चाहिए, उन्हें गन्ना का बहुल्य चाहिए, मूल्य चाहिए उन्हें सही, और बिजली की जो कटौती बढ़े हुए रेट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली के दाम लिए जा रहे हैं किसानों से, वो कम होगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले विवेक जी बहुत अच्छी तरीके से गणित करके आए और कहते हैं कि 16 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। जवाब दे विपक्ष, इतने बड़े देश में बहुत से विपक्ष हैं, कोई एक विपक्ष खड़े होके जवाब दे कि जिसने एक रुपए भी प्रतिदिन के हिसाब से किसी किसान को किसी निधि से दिया हो। ऋण तक ये जो होता है उसके भी भुगतान नहीं करते। गन्ना किसानों का भुगतान अगर मैं इनको बताऊं, 5 वर्षों में इनकी सरकार 2012 से 17 में मात्र 95,000 करोड़ दिए और हमने 4 साल में 1.25 लाख करोड़। आप अंतर देखिए, ये 1 रुपए 2 रुपए 16 रुपए गिन रहे हैं। अगर हम 16 रुपए भी दे रहे हैं तो आपने तो 50 पैसे भी नहीं दिए उनको, पेंशन भी नहीं दिया उनको, कब पेंशन दिया उनको? हमने हमने किसानों को चाहे आयुष्मान भारत के तहत, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत, मुफ्त में बिजली पहुंचाने के तहत, आप अगर देखिए तो जिस तरीके से हमने ग्रामीण इलाकों में किसानों को सुविधाओं से लैस करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा शक्ति दिखाई है, कहीं ना कहीं ये कुछ भी तर्क करेंगे गलत है। राइट्स पर चोट पहुंचाई है किसानों के, सिविल राइट्स पर भी मैं इन्हें बता दूं, शायद इन्हें मालूम नहीं है, कमलेश जी को मालूम होगा, जो संशोधन करके गया था उस संशोधन में इसको कहा गया था कि अगर किसान बंधु चाहते हैं तो ये हम हटा देंगे, अपने इस क्लॉज को हटा देंगे। कमलेश जी भी इस बात का आपका जवाब देंगे। जी शबनम जी, कंप्लीट करिए। इस बात को हमने संशोधन करके कुछ क्लॉजेस भेजे थे कि जो जिस पे भी आपत्ति हो हम उसको हटाएंगे और जिस पर ऐसा लगता है कि चर्चा होनी चाहिए बैठ के चर्चा करेंगे। पर अगर कोई ये बात कहे सड़क पर बैठकर कि नहीं कानून हटा दीजिए हम चर्चा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है। तो इस पर हमारे किसान बंधुओं को भी, क्योंकि ये कहते हैं इन्हें 2000 नहीं चाहिए, आप गांव में जाइए, मैं खुद गांव में गई और एक दो जिलों में नहीं कई जिलों में गई, वहां किसान बंधु इतने प्रसन्न है, केवल किसान नहीं उसका परिवार भी प्रसन्न है कि हमें कम से कम 2000 रुपए कैश हमारे हाथ में आ जाता है। महंगी उत्तर प्रदेश में क्यों ली जा रही है? किसानों को सब्सिडी मिलती है बिजली में, किसानों को बिजली में सब्सिडी मिलती है, इस बात को भी आप जानते हैं कि उन्हें किफायत दरों में बिजली मिलती है। फिर भी सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में ही है और पेट्रोल डीजल के दाम किस कदर आसमान में छू रहे हैं ये आपको भी पता है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम से तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ भी ये सरकार दे रही है, कमलेश जी बताए पिछली सरकार क्या कर सकती थी, क्यों नहीं की, 70 साल में आखिर क्यों आत्महत्या करना पड़ा, क्यों नहीं आपने आंदोलन किया आत्महत्या करते हुए किसानों के लिए, क्यों नहीं ऋण तले दबते हुए किसानों के परिवारों के लिए आपने आंदोलन किया? आज आप अगर आप क्या कहना चाह रही है शबनम जी, अगर वो इस समय आंदोलन कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रही है कि क्या ये किसान या पीछे से कोई और है जो इसके जरिए ये आंदोलन चल रहा है?
देखिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही, लोकतंत्र में हर एक नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है, अपने आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पर हर बड़े बड़े मसले भी चर्चा से हल होते हैं। अगर हम किसी भी बात को चाहते हैं कि सरकार माने और सरकार के समक्ष रख कर वार्ता करें, तो निश्चित तौर पे ये जनवरी से वार्ता के दरवाजे बंद हैं। जनवरी से वार्ता कोई दरवाजे बंद नहीं है, बिल्कुल कोई दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन वार्ता नहीं हुई है। कमलेश जी से मैं जवाब ले लेती हूं क्योंकि वो लगातार बोलने का प्रयास कर रहे थे। कमलेश जी, आप तमाम बातों पर क्या कहेंगे? साथ ही साथ उन्होंने बोला है आपको बेशक जरूरत नहीं होगी, लेकिन छोटे गरीब किसानों को उन 2000 की भी बहुत अहमियत है, साथ ही साथ सब्सिडी भी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, सब्सिडी मिल रही है और वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। आपने जो जो संशोधन करने के लिए बिल में बोले थे वो किए भी गए, लगातार कहा भी जा रहा है, तो क्यों इस ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या आंदोलन ही रास्ता है? देखिए, आंदोलन रास्ता हमको भी पता है कि हमारा जो नैतिक धर्म है, जिस संविधान की वजह से मैं आज अपना धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, उसी संविधान की वजह से आप जाकर के सरकार बना के बैठे हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने बैठे। हमारा धर्म है, हम संगठन से अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और करते रहेंगे। ये शबनम जी को मालूम होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि रोड पे बैठ करके प्रदर्शन नहीं किया जाता, कैसे किया जाता है आप बता दीजिए। सुनिए शबनम जी, सुनिए पहले, आपके बड़े बड़े नेता पहले सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी आलू बैंगन परवल शबनम जी गले में लटका करके यही धरना प्रदर्शन करते थे। प्रदर्शन मैं भी कर रहा हूँ। सवाल ये था कमलेश जी, माफ कीजिएगा, उनका सवाल ये था कि क्या पिछली पार्टियों में इतना उत्पीड़न होने के बावजूद भी इस तरह के आंदोलन भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाया तो आंदोलन हो रहे हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ, कि अगर पिछली सरकारें इतनी अच्छी होती तो आप जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ करके आप सरकार में नहीं जाते, अगर पिछले वालों ने अच्छा किया होता। और सुनिए पहले बात, सुनिए बोलिए, मैं पहले बात सुन लीजिए। आपने कितना अच्छा किया है वो भी मैं बता दूंगा, कितना आपने अच्छा किया है, कितनी 50 वाली खाद 50 किलो वाली आज आपने 45 किलो की कर दी। और बिजली पे आप बता नहीं, किस जिले में आपने दिया है, किस जिले में मिल रहा है पैसा, चल करके देखिए धान की खरीद कितनी हुई, गेहूं की खरीद कितनी हुई, आइए गांव में हम आपको दिखाते हैं, एक एक गांव का दिखवाएंगे आपको, कागज कितना कितना मिलता है, कितना कितना खरीद हुई। आपको किसान नहीं दिख रहा फिर किस चीज का भय है, आइए ना मांगिए, गाँव में पहुंचिए, क्यों नहीं पहुंच रहे? हम लोग बराबर अपना हक मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संशोधन नहीं करें, हमारे नेता भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, क्यों नहीं आप बात करते? लेकिन कमलेश, चार महीना हो गए, चार महीने कोई बात करने वाला है? आपके जो मुद्दे हैं उस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है, परेशानियां हैं और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, वार्ता नहीं हो रही है। लेकिन ये जो वोट की चोट और खुले तौर पर पहले पश्चिम बंगाल में गए राकेश त्रिवेदी, अब उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, तो क्या यही एकमात्र रास्ता है कि वोट की चोट देना? क्योंकि आपने कहा कि अन्य पार्टियों ने भी इतना अच्छा नहीं किया, इस वजह से अब बीजेपी आई है, तो आपका भरोसा किस पे है फिर? देखिए, हमारा भरोसा अपनी सरकार पे है, हम अपनी आवाज अपनी सरकार से कहते हैं, जिसको हमने वोट दिया है उससे हम आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और धरना भी करेंगे, उसको वोट दिए उससे हक भी मांगेंगे, हम अपनी आवाज भी उठाएंगे, जब मुझे आवश्यकता पड़ी हम किससे कहने जाएंगे, कौन बात कर रहा है? चार पांच महीने से हर तरीके की वार्ता बंद है, हमारे किसान भाई, हम हमारे साथी वहां दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हैं, कितना हर प्रकार की बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, हर प्रकार हम जो लोग झेल रहे हैं, कोई नहीं वार्ता हो रही, हमारे नेताओं ने चिट्ठी भी भेजी है उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कौन वार्ता कर रहा है? और इतनी चिंता क्यों सताई जा रही है? अगर आपको उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, तो भेजिए अपने नेताओं को, जाएं बीच में, चर्चा करें, समझाएं, आपके प्रधानमंत्री जी, आपके जितने नेता सांसद थे, सभी लोगों ने पूरा ब्यौरा किया, हर जगह वार्ता भी किए, संवाद भी किए, अब आपका किसान मोर्चा आ जाए वो भी संवाद करे, बीच में हम बात करने के लिए तैयार है, हमारे नेता भी तैयार है, स्वागत के लिए सब तैयार हैं गांव गांव में। ठीक है विवेक जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से कमलेश जी ने भी कहा और शबनम जी भी लगातार कह रही हैं कि पिछली सरकारों में ज्यादा उत्पीड़न हुआ है किसानों का, ज्यादा आत्महत्याएं की है किसानों ने उत्पीड़न के चलते, और अब किसानों के आप मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात जहां तक है, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, हमारे माननीय
संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी खुद किसान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप भाजपा के खिलाफ किसी भी मोर्चे पे अगर सकारात्मक रूप से किसी भी आंदोलन में अगर आप उतरते हैं तो आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, वो लाजमी है, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी बात, अब आप अन्यथा ना लीजिएगा, देखिए लाइट चली गई है क्योंकि योगी जी लाइट 24 घंटे दे रहे हैं, तो लाइट चली गई। मैं बहराइच में बैठा हूँ इसलिए मैं मोबाइल की लाइट से इस समय डिबेट कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में योगी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में तो मैंने जितनी दिन डिबेट की कभी लाइट नहीं कटी, देखिए मैं बराबर बना रहा। और छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि आजमगढ़ में मंडी है, इस बार मंडी का कारोबार जो है वो 90% सिमट गया, 11 करोड़ का लाभ देने वाली मंडी मात्र 2 से 3 करोड़ के व्यापार में सिमट गई है। और ये मैं नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, इसको आप चाहें तो जांच करवा लीजिए। इस कानून के अनुसार जिस तरीके के नकारात्मक प्रभाव किसानों के लिए सामने आ रहे हैं, होता क्या है कीर्ति, आप एक तरफ तो सब्सिडी का जुमला दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी आड़ में डीजल पेट्रोल और दूसरी खाद या अन्य वस्तुओं पे जिसे जिस तरह से मानक दर बढ़ाए जा रहे हैं उस पे आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसानों के प्रति संवेदना रखते हैं तो आप मुझे बताइए, पश्चिम में आपके कई बार वीडियो वायरल हो गए कि जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपके कितने नेता मंत्री सांसद विधायक प्रतिनिधि गए गाजीपुर बॉर्डर पे खुद बनाने, अरे आप ही चले गए होते तो शिष्टाचार की बात होती और एक सकारात्मक संदेश भी जाता कि आपको किसानों की चिंता है। गाजीपुर बॉर्डर पे तो आपने इंटरनेट से लेकर लाइटें कटवाने से लेकर के आपने पानी की स्रोतों को भी बाधित करने का काम किया। सबसे बड़ी बात है संवेदना कहां से दिखाई जाए, संवेदना केवल मंच से वाहवाही करने से होती है क्या? संवेदना जिसके होती है कीर्ति ना, इनके इतने जनप्रतिनिधि है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये स्वयं चले गए होते। अगर ये स्वयं चले गए होते तो मुझे लगता है कि किसानों के अंदर इनको लेकर के एक सकारात्मक रुख भी अपनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके नेता माननीय, उन्होंने तो एक शब्द में आपको याद होगा, उन्होंने तो वक्तव्य दे दिया था कि कानून वापस नहीं होंगे। विवेक जी तो समस्या कहां है, हमें क्या समस्या है, हम तो शुरू से किसान आंदोलन के साथ है। नहीं तो हमने तो इसका राजनीतिकरण किया नहीं, हो गए हैं। आपके ट्वीट बता रहे हैं कि आप विचलित है, जिस तरह से अखिलेश यादव नहीं देखिए विचलन कर रहे हैं, विचलन तो देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए विपक्ष में तो विचलन ही ढूंढा जाता है ना, अब विपक्ष में तो ये विचलन ही ढूंढेंगे क्योंकि इनके जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का कैडर जो वोट बैंक है वो तो गांव है, किसान है, हम तो जिम्मेदारी से कहते हैं। प्रधानी के चुनाव में क्या हुआ था आपको याद ही है, उसके बाद जिला पंचायती जीतने के लिए इन्होंने किस तरह के हथकंडे अपनाए वो भी याद है। आज अगर जिला पंचायती में किसानों को वोट करना होता, मतदान करना होता, आपको पता है कि स्थिति कुछ और होती। तो सबसे बड़ी बात यह है कीर्ति कि हम कहीं से विचलित नहीं है, लेकिन ये इस कार्यक्रम को सफल करके दिखा दे, हम तो कह रहे हैं इनके जनप्रतिनिधि गांव में जाकर के वोट मांग कर दिखा दे, मैं तो कह रहा हूं। नहीं अगर सफल हो गई तो, अगर वो मनाने में कामयाब हो गए, वो किसान स्वयं देखिए, वो तो किसान, वो तो अन्नदाता खुद निर्धारित कर लेगा ना, इनसे जवान घबराहट तो नहीं है कि कहीं बीजेपी मनाने में कामयाब ना हो जाए किसानों को। हाँ ये सवाल आपका अच्छा है कीर्ति, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का पुलिस के जवानों का 4.25 लाख फोर्स 2800 रुपए ग्रेड पे की मांग लगातार कर रहा है, बॉर्डर स्कीम हटाओ लगातार कर रहा है, हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, किसान तो नाराज है, जवान भी इनसे नाराज होकर बैठा है और जवान भी उसी किसान परिवार से आता है। तो मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने ना जवान की सुनी ना इन्होंने किसानों की सुनी, शोषण भले इन्होंने कानूनों के आड़ में किया है, तो ये जाए ना गाँव में, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए गाँव में, इनके जनप्रतिनिधि गाँव में आए और वोट मांगे, किसान भी उनका स्वागत उसी तरह करेगा जैसे कैनन फायर करके इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ अत्याचार किया था। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें किसान आने नहीं देंगे? नहीं अगर किसान आने देना चाह रहे होते तो इनके पश्चिम में कमलेश जी तो कह रहे हैं स्वागत है, गांव के बाहर विवेक जी कमलेश जी तो कह रहे हैं स्वागत है। नहीं नहीं कमलेश जी हमारे वरिष्ठ देखिए आदरणीय है, उनकी बातों को मैं दरकिनार ना करूंगा और मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इनके लिए कोई रणनीति बना रखी है तो बिल्कुल गांव में वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होगा, किसान सुनने को तैयार है विवेक जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है शबनम जी मैं आप वाटर कैनन तो सरकारों के पास होती है, देखिए किसानों के पुलिस भी तो है सरकारों के पास, फिर चले जाएंगे ना वो। नहीं तो लेकिन पुलिस के जवान 2800 ग्रेड पे क्यों ट्रेंड कर रहे थे कि 5 लाख ट्वीट हो गए, 4,95,000 ट्वीट के बाद भी सरकार सो रही है। ठीक है शबनम जी, सबसे पहले कोर्ट अखिलेश यादव जी की बात हुई है तो उसी पर सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया हुआ है जिस तरह से कि अब जब अन्नदाता मतदाता बनने वाले हैं तो अब उनकी आस सताने लग गई है, इसलिए सम्मान के लिए उनको मनाने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सिर्फ क्या ये राजनीतिक लाभ है इसलिए अब चुनाव नजदीक आए हैं तो किसानों को मनाने का याद आया है?
कीर्ति देखिए, ये सारी बौखलाहट है विपक्षी दलों की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो सत्ता में थे तो जय जवान जय किसान का नारा भूलकर बैठे हुए थे, जब वो सत्ता में थे तो किसान ऋण तले दबे रोते थे, तो ये आंख बंद करके अपनी सैफई में रंगरेलिया मनाते रहते थे। जब ये सत्ता में थे तो किसान आत्महत्या और ऋण तले जिस तरीके से उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में था, इन्हें इन्होंने अपने होश गवा के अपनी सत्ता का सुख की तरफ ध्यान दिया। लेकिन आज जब सारी सुविधाएं सारी योजनाओं किसान को लाभान्वित करके अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किसानों के बीच जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन्हें समझ में आ रहा है कि किसान जो लाभान्वित हुए हैं वो किसी के बरगलाने से बरगलाया नहीं जा सकता, उन्हें उनके परिवार लाभान्वित हुए, उन्हें तमाम स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तमाम सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई है, कृषि क्षेत्र में उन्हें तमाम सुविधाएं प्राप्त हुई है। इस ये केवल आंकड़े नहीं है, ये उनकी आकांक्षाएं और आशाएं हैं जिनको हमने पूरा किया, और जब हम उनके बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी जो सब होता तो शायद इतना लंबा आंदोलन इस कदर ना चलता। राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे और वहां पर वोट की चोट देने वाले। देखिए राकेश टिकैत जी को तो उनकी की नहीं चाहिए था, वहां तो उनकी चली नहीं, लेकिन एंट्री होगी कि नहीं। बंगाल हम हारते हैं तो देखिए बंगाल में अपने पूर्व चुनाव और इस चुनाव से हमने कितनी बड़ी बढ़त की है। राकेश टिकैत जी के जाने से वहां कोई अंतर नहीं आया है, हमने बढ़त की है और वो बढ़त किस आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी बढ़त। लेकिन एंट्री कर ही देंगे, एंट्री होगी कि नहीं होगी राकेश टिकैत जी की, क्योंकि योगी जी ने तो साफ कह दिया ये उत्तर प्रदेश है पश्चिम बंगाल नहीं है। ये तो बखल उधेड़ने की बात है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से भ्रष्टाचार और माफिया मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, यहाँ पे बातों के साथ आप सरकार से बात करके सरकार के साथ तालमेल बैठा के आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगजनी और तमाम तरह की चीज करना चाहें, चाहे वो कोई हो, मैं किसी आंदोलन के लोगों को नहीं कह रही हूँ, तो इस बात पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई आप कह किसे रही हैं फिर? नहीं, मैं उन्हें कह रही हूँ जो अगर कभी ये सोचते हैं कि हम अराजकता फैलाएंगे उत्तर प्रदेश में, मैं उनको कह रही हूँ जो सरकार से बात करना चाहे, वो अराजकता कौन फैला रहा है? तो शबनम जी, वो अराजकता कौन फैला रहा है? ये तो हमें नहीं पता, दिल्ली में किसने फैलाया हमें नहीं पता, बंगाल में किसने फैलाया हमें नहीं पता, लेकिन हमारा यही कहना है कि माओवाद आतंकवाद और माफिया इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद क्या लगता है कि आप मना पाएंगे किसानों को? आपने देखिए, आपने देखा है कि किस तरीके से आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है तो विपक्षी दल आंसू बहाते, किस तरह माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो विपक्षी दल आंसू बहाते, तो विपक्षी दल बौखलाहट और हताशा में ये सारी कोशिशें करेंगे चुनाव आने के पहले। मैं उनको सचेत कर रही हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई की अगर सोच भी रखते हैं तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी राज है, यहाँ पर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक किसानों का देखा जाए तो आप हर खेत में किसान को खेती करते देखेंगे, उन्हें पता है कि लगातार योगी आदित्यनाथ जी के राज में लगातार। शुक्रिया शबनम जी। कमलेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान अपने खेतों में है, वो किसानों की बात जहां होती है तो खेतों में ही है वो, उनके लिए जो किसान वाकई में जो खेती करते हैं वो अपने खेतों में हल जोत रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपनी फसलों को उगा रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो पता नहीं कौन है, या कहीं ना कहीं उनको आतंकवाद माओवाद और मवाली शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, तो इसके बाद इन चीजों को लेकर। देखिए, मैंने किसानों के लिए नहीं कहा, विपक्षी पार्टियों के लिए कह रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही शबनम जी, आपने कहा, मैं एक बात कर रही हूँ कि आपके लिए किसान वही है जो खेतों में है, मैं यही कह रही हूँ। तो कमलेश जी, जब बीजेपी आएगी आपके पास बात करने और किसानों के पास, जब वो उनके सम्मान के लिए उनकी परेशानियों को जानने के लिए, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जैसे विवेक जी कह रहे हैं किया जाएगा, या पुलिस बल के साथ ही आना पड़ेगा, या आप स्वागत करेंगे, दरवाजे खुले हैं आपके? नहीं, हमारे दरवाजे तब भी खुले थे और अब भी खुले हैं, हम अपनी आवाज कह रहे हैं। योगी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था कि
हमारे नेताओं को आने नहीं देंगे, यहाँ बक्कल उखड़ दिया जाएगा, यहाँ क्या किया जाएगा। और हमारे बीजेपी के कई नेताओं ने भी उस पर खूब चुस्की ली, लेकिन हमारे नेता आए और आकर के लखनऊ में कार्यक्रम करके गए, कुछ नहीं किए। कभी किसान गलत नहीं करता है, गलत जो करते हैं उनका ये लोग नाम नहीं लेते हैं, ये दूसरे को खाली उलझाते हैं जब इनसे कोई बात कही जाती है। आप बताइए, जब से बीच में बातचीत बंद हुई है तब से चैनल के द्वारा, पेपर के द्वारा, पत्र के द्वारा 50 बार कहा गया है, कैसे वार्ता की जाएगी, कौन करेगा वार्ता। किसान अपनी मांग कहता है, अपनी आवाज उठा रहा है, आप उस पर बात नहीं करोगे। अगर बात की, आप खाली गोल गोल घुमाने का काम करोगे। जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से जब जवाब पूछो, सवाल करो, तो जवाब नहीं देता है, वो गोल गोल घुमाता है, वो महंगाई बताता है, वो किसानों को मवादी बताता है। फिर इतनी क्यों चिंता सता रही है? आप गांव जाइए, आप जन सम्मेलन करिए, करिए ना, कौन रोक रहा है? ये उत्तर प्रदेश है, यहां सभी आप भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लिस्टें दिखा देंगे जो बड़े बड़े भूमाफिया सरकार में जुड़े हुए हैं। आज हमारे यही लखनऊ के बगल मलियाबाद के क्षेत्र का एक नहीं 500 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूं, हमारे किसान लड़ते लड़ते मरे जा रहे हैं, योगी जी को नहीं दिख रहा है, जिलाधिकारी महोदय को नहीं दिख रहा है, नीलांश वाटर पार्क वालों ने बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है, हजारों लेटर दिए गए, गृह मंत्री तक दिया मैंने, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन कमलेश जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर आपने वोट की चोट देने की कोशिश भी की, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में तो बढ़त बनाई है, तो इस बात का तो डर नहीं सता रहा है उन्हें? देखिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है, आपसे सवाल करूंगा, एक बार नहीं लाख बार करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आज अगर नहीं देंगे, हमारे बीच में नहीं देंगे, जब गांव आएंगे तब आपको देना पड़ेगा। हम हर बार अपना सवाल करेंगे, क्योंकि अपने हक के लिए उसी संविधान से हम आपसे अपनी आवाज उठाते हैं और अपना हक मांगते हैं, एक एक चीज के लिए हम मांगते हैं। आपको महंगाई दिख रही, आप चिल्ला रहे हैं, दुनिया चिल्ला रही है, 200 प्लस तेल हो गया है, सरसों नहीं दिखाई रही कितनी सस्ती बिक रही है, खाद 50 रुपए किलो वाली 45 किलो कर दिए, ये नहीं आपको समझ में आ रहा है? आप किसान के ऊपर बात नहीं करेंगे? 12,000 करोड़ रुपया जो बाकी आपने दिया है, मैं कह रहा हूं दिया है, लेकिन कहां कोई बाहर से दे दिया, जो मेरा 12,000 करोड़ रुपया बाकी वो भी भुगतान करवा दीजिए, अन्य सरकारों ने गन्ने पे पैसा बढ़ाया, टीवी के माध्यम से ही तमाम कमलेश जी अभी सवाल आपसे कर ले रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं शबनम जी, और आप वो 2000 रुपए पे घुमा रहे हैं, आप 5 किलो झोले आटे और उसपे घुमा रहे हैं, ये घुमाने से किसान शबनम जी, उन्होंने तमाम वो आपको पॉइंट्स गिना दिए हैं कि उन्हें क्या मांग है उनकी, वो राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को तो पूरा किया जाए। सरसों सस्ते में बिक रही है, सरसों का तेल महंगा होता जा रहा है, तो दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, ये दिक्कतें कैसे दूर होंगी? विवेक जी, आपसे मुझे पूछना है, किसान ठीक है, आ रही हूँ शबनम जी, एक सेकेंड विवेक जी, किसान सम्मान का मुकाबला कैसे करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, किसान सम्मान से हमको कोई मुकाबला नहीं करना है, हमारे लिए तो किसान सम्मान सर्वोपरि प्राथमिकता की बात होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की तरह नहीं है, जहाँ पे सीएम कभी कहते हैं कि गन्ना कम बोइए क्योंकि शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं, इनकी अर्थमंत्री कहती है कि जाकर के कि आलू प्याज मैं नहीं खाती क्योंकि वो महंगे हैं, तो इस तरह के अपरिपक्व वक्तव्य समाजवादी पार्टी नहीं देती है। अखिलेश यादव जी ने हुंकार भरी थी किसान सम्मान के लिए, किसान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि था, किसान सम्मान सर्वोपरि है और किसान सम्मान सर्वोपरि रहेगा। किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती है, लड़ेगी, कामयाब हो गई तो हमें क्या आपत्ति है? अगर किसान संतुष्ट होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कीर्ति, सबसे बड़ी बात है, हमारी लड़ाई भी किसानों के हित में ही तो है। अगर किसानों के ऊपर थोपे गए ये 3 अनर्गल कानून, ये संशोधित करके या किसानों के अनुसार उसको लागू करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है? ये तो किसानों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है। दूसरी बात, आपको याद होगा इसी डिबेट चैनल पे बंगाल चुनाव के समय किसानों के मुद्दे पे मैं और शबनम जी आमने सामने थे। मैं शबनम जी से विनम्र भाव से कहता हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था कि देखिए, बंगाल से किसानों का पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था और बंगाल में किल ठोकी गई थी भाजपा की, अभी आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, किसानों को मना लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि दोबारा आगामी चुनाव में भाजपा की किल उत्तर प्रदेश का किसान ठोकेगा। बंगाल मनाने के लिए तो सम्मेलन किया जा रहा है, मनाने के लिए ही तो बात आगे बढ़ रही है। मनाने के लिए सामने वाले की बातों पे क्रियान्वयन करना होता है, अपनी बातें मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कीर्ति। और मैं तो कह रहा हूं, आप अब अब जागे हैं सो करके, आप क्यों नहीं चले गए गाजीपुर बॉर्डर पे इतने महीनों से, जब किसान वहां पे मर रहा था, कितने किसान परिवारों के घर गए आप सहायता निधि देने के लिए, जो किसान मर गए उनके परिवारों की सुध कौन लेगा कीर्ति?
वो तो सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुए। बताइए ना, जो जवान मर गए उनके परिवारों का सुध कौन लेगा कीर्ति? कोविड में जो किसान मरे, जवान मरे, उनके परिवारों का सुध कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के पुलिस परिवार, उत्तर प्रदेश के पुलिस जवान मनाने तो जा रही है, लेकिन आप अगर उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो मानेंगे कैसे? कीर्ति, ये जो मिलके कह रहे हैं कि गोलमोल बात सरकार करती है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर चार साढ़े चार साल में 1.25 लाख करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को करती है, 36,000 करोड़ ऋण माफ करती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान 17,000 करोड़ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को मिला के अभी भी बकाया है, 134 करोड़ हस्तांतरित करती है, एमएसपी का लगभग दुगना तक वृद्धि करके 66,000 करोड़ का खाद्यान्न खरीद करती है, और 358,000 करोड़ का फसल ऋण वितरण करती है, 20 चीन मिलों को चीनी 175 रुपए हाउस पावर बिजली करती है। ये तमाम जो कार्य सरकार कर रही है ये गोलमोल बात नहीं है, ये किसानों के खाते में जाने वाले वो आर्थिक मदद है जिसको, जिसके लिए किसान लंबे समय तक राह देख रहा था। ये गोलमोल बात करने वालों को इसीलिए डाटा देख लीजिए, इसीलिए किसान ने डाटा देख लीजिए कौन से किसान को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये भी डाटा देख लीजिए। लोगों का यही बौखलाहट है कि सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी दिख रही है, और किसानों को हमारे साथ कमलेश जी भी है ना, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, किसानों की तरफ से बोल रहे हैं। कमलेश जी भी कह रहे हैं गोलमोल बात, तो ये जो किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है ये गोलमोल अगर कहते हैं तो पिछली सरकार के समय में लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं अगर आपने इतना कुछ किया है तो मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सम्मेलन करने की, महापंचायत करने की, 104 बाहुल्य किसान विधानसभा क्षेत्रों में जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जनता जनार्दन होती है, हम लगातार, वो चाहे किसान हो चाहे किसी वर्ग के हो, अंतिम पंक्ति में खड़े सभी वर्गों को हम लगातार उनके बीच जाते हैं, अपनी बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, और इसमें अगर किसान भाइयों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो नहीं पूरी हो सकी है, नहीं ठीक उसका समाधान हो सका, उसको सुनना भी हमारा कर्तव्य, हम सरकार में है, सरकार को अंतिम दिन तक उन लोग अपने प्रदेश के नागरिकों से संवाद करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समाधान निकालना कर रहे चाहिए इस सम्मेलन की। वो तो कह रहे हैं हम गहराई तक जाएंगे, और गहराई में जाकर हम समझेंगे कि किसानों की दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, जो जिन्हें बरगलाया गया है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। किस हद तक गहराई में जाना पड़ेगा उन्हें? कीर्ति जी, बहुत अच्छी बात है, 8-9 महीने बीत गए जिनके गृह मंत्री नहीं समझा पाए, प्रधानमंत्री नहीं समझा पाए, कृषि मंत्री नहीं समझा पाए, उनको अब इनके किसान मोर्चा के अध्यक्ष आकर के समझा दे। मैं तो कह रहा हूँ को लाए, हम तो यहाँ से लेकर के गांव, गरीब से लेकर के दिल्ली संसद तक पहुँच गए, संसद के बाहर हमारे लोग, मैं भी गया हूँ 3 दिन, वहाँ भी धरना दे के आया हूँ, वहाँ भी आपको यूपी का किसान नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ का गाँव गरीब किसान नहीं दिख रहा है, श्रमिक नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी अपनी ताकत लगाइए, क्यों इतनी बौखलाहट है, क्यों इतना परेशान है? आज मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं, एक हफ्ते से बराबर हर जगह मैं कई जगह डिबेट में जाता हूँ, हर जगह जाएंगे, अरे जाइए ना, कौन रोक रखा है, मैं तो स्वागत की व्यवस्था करके रखा हूँ। यूपी में जिस विधानसभा के नेता का बताइए, उस नेता को बता दूं 4 साल हो गए हमने अपने विधायक का शकल नहीं देखी, कैसे हैं? मैं तो कई बार फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठता है। लखनऊ के अगल बगल के विधायक सामने नहीं आते, उनको बुलाए, गलत नहीं वादे के साथ करें, वादे के साथ, 10 बार मैं वादे के साथ कहता हूँ, इतना परेशान मत होइए, इतना बौखलाहट मत करिए, आने दीजिए। मैं उन किसानों का बेटा हूँ जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने आवाज उठाई है, जो भुगत रहे हैं किसान, वो गरीब, फोटो लेके आया, फोटो वीडियो लेके आया हूँ, मुझे भी मालूम है, सबनम जी वीडियो फोटो लेके आया, एक नहीं एक लाख बार आवाज उठा चुका हूँ, तहसील से लेकर के और कहाँ तक आपके गृह मंत्री तक दे चुका हूँ, कोई किसान की आवाज नहीं सुनता है, कोई उस गरीब की आवाज नहीं सुनता है जिसके घर में खाने को नहीं है। कल हमारे ये लखनऊ में इतना बड़ा कांड हो गया, कोई अधिकारी नहीं दिखा, उसकी बेटी मार दी गई, पूरा दिन लग गया मुकदमा लिखने में, मैं भी रहा पूरा दिन, गरीब के घर जाके देखिए,
आवाज सुनिए, अधिकारी नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे, खाली आप कह देने से, बायोडाटा दिखा देने से नहीं होगा। कितना परसेंट खरीदारी हुई है, ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। बौखलाइए मत, गांव जाइए, बात करिए, जो हमारे नेता बैठे हैं उनसे बात करिए। ये खाली कागज पे कह देने से नहीं होगा। 50 किलो वाली खाद 45 किलो कर दिया, बिजली कितना बढ़ा दिया आपने, पानी मिल नहीं रहा है, कीटनाशक मिल नहीं रही है, किसान गली गली भटक रहा है। ये 2000 रुपया भीख नहीं मांग रहा आपसे कोई किसान, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपनी फसल का रेट मांग रहा है। ये बार बार वही सवाल किया जाता है, पीड़ा समझ लीजिए करके उस पर लेके आते हैं। कमलेश जी की बातों के जरिए पीड़ा समझ लीजिए आप कि क्या किसी भी जिले में चलिए चीजों से आपको सामना करना पड़ेगा। में चलिए किसानों से एक नहीं सामने बैठा के बात करो। हर किसी विधानसभा विधायक की आवाज हिम्मत जो आकर के सामने बात करे। ये पूरी तरीके से नकारात्मकता के साथ बोल रहे हैं। एक बार भी मैंने समझा, भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकारी कोई नेता नहीं सुनने वाला है, गरीब व्यक्ति की पीड़ा नहीं सुनी जाती है। आपने कहा कि मैं भी एक किसान की बेटी हूं, तो गन्ना की कीमतें बढ़नी चाहिए कि नहीं आपके अनुसार? जो 175 रुपए पावर हाउस जो कीमत चल रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें चल रही हैं, उसमें कमी दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? वो दर्द, वो पीड़ा, क्योंकि अब आप मनाने के लिए जा रहे हैं तो वो दर्द तो समझना पड़ेगा, वो परेशानियां तो समझनी पड़ेंगी। सिर्फ समझना ही नहीं, उनको उनका निराकरण भी निकालना जरूरी है कि किस तरह से हम किसानों को और भी ज्यादा सहूलियत दे सके। जी कीर्ति, देखिए हमने तमाम समस्याओं का समाधान किया किसानों का, लेकिन इतना जरूर कहते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है और समस्याएं भी लगातार, अगर समाज है तो समस्याएं भी हैं। जो और भी समस्याएं हैं, हमारे कार्यकर्ता और नेता जाएंगे निश्चित तौर पे, उस पर भी चर्चा होगी और जाते रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई आंदोलन छेड़ा कि हम इतने तारीख से जाएंगे तो उसके पहले कोई नहीं। हमारे विधायक सांसद लगातार क्षेत्र में रहते हैं और आप किसी भी विधायक सांसद से पूछिए, कोरोना पीड़ित व्यक्ति का परिवार हो या तमाम लोगों के घर लगातार जाते आते रहे हैं और किसानों के बीच मैं भी जाती रही हूं और मैंने उनकी खुशहाली भी देखी है इस बीच में कि वो प्रसन्न है कि कल जो हम 50 पैसे तक मान के चल रहे हैं, जो आप 104 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी, वहां से उसके बाद आपने जो कहा है कि 200 किसानों के साथ आप संवाद भी करेंगी, उनसे जानने का प्रयास करेंगी, तो क्या वो 200 किसान आएंगे? क्योंकि कृषि कानूनों पे तो वार्ता हो ही नहीं रही है, तो क्या अब जो क्षेत्रों में जाने के बाद वहां से विधानसभा आपके उन विधानसभाओं से 200 किसान आएंगे? निश्चित तौर पे आएंगे। अब तक क्षेत्रों में जाने पे किसानों से वार्ता होती है और किसान अपनी समस्याएं और जो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ उस पर हमसे लगातार चर्चा करते रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि समस्या आपको शब्दों में बिल्कुल पता चल गई है, उन समस्याओं का हल निकालने की ओर आप अग्रसर होइए, उनकी आगे किस तरह से हल निकाला जाए, क्योंकि आपको इस माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से कहीं ना कहीं का अंदेशा तो लग ही गया है कि आगाज क्या होने वाला है इस सम्मेलन का और किस तरह से अगर आप जाते हैं किसानों के बीच में तो वो कौन सी आपसे तमाम बातें लेकर और तमाम परेशानियां लेकर आएंगी, उनका हल लेके जाइएगा तो शायद उन्हें खुशी होगी, उन्हें सहूलियत मिलेगी। ठीक है विवेक जी, आपका क्या कहना है, जिस तरह से किसान सम्मेलन किया जा रहा है आपको सहयोग करना चाहिए, महापंचायत तो आपने भी बैठाई थी, तो क्या आप इसके बाद भी आप भी कोई रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं किसानों के हित में बात करने के लिए? पहले तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आधिकारिक रूप से अपने जो ट्वीट उन्होंने करके वाहवाही प्रशंसा लूटी थी एक छवि सुधार करने के लिए आत्ममुग्धता से प्रेरित होकर के, उस ट्वीट पे वे किसानों से माफी मांगे, अन्यथा गांव में इनके जनप्रतिनिधि विधायक जब जाएंगे और किसान जब उनसे सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे पहला सवाल यही होगा कि बक्खल कैसे उखाड़ते हैं, बक्खल कैसे उधेड़े जाते हैं। आप किसानों को, क्योंकि वो ट्वीट सार्वजनिक है, वो मेरा कोई ऐसा नहीं कि मेरे वॉल पे है या व्यक्तिगत कुछ लोग देख रहे हैं, जब तक आपकी भाषा आपकी मंशा किसानों के सम्मान जवानों के सम्मान के अनुकूल नहीं होगी तब तक आप किसान और जवान से भी सम्मान की उम्मीद ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बात भी यहाँ पे कह के जाइएगा, आज मैं तो कह रहा हूं बड़ी बहन हमारी, कि अगर वहां पे किसान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो आप उनके ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों के सवाल तो होंगे कीर्ति, किसान सवाल पूछेंगे भी, और कल को ऐसा ना हो कि इनका आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल जाए और किसान काले झंडे दिखाने लगे तो ये उसके ऊपर कार्रवाई करने लगे द्वेषपूर्ण भाव से, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में भी इन्होंने ऐसा किया है। तीसरी बात,
जो ये आज कह रहे हैं कि किसानों के हित में, तो दीप सिंधु किसका आदमी था? दीप सिंधु को लेकर के क्यों इतना उसको बचाने का प्रयास किया गया, उसका भी जवाब यही दे। हमारे पास तो जवाब है नहीं इसका भाई। आखिर अमित शाह और बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल हुई थी जी, बिल्कुल। और बक्कल उखेड़ने वाले पे एक आखिरी कमेंट मैं कमलेश जी से लेना चाहूंगी। विवेक जी माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है। कमलेश जी आपका क्या कहना है? बक्कल उखाड़ने की बात कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं स्वागत है, तो क्या इन तमाम बातों के बाद आप स्वागत करेंगे और परेशानियों का हल निकलेगा? बिल्कुल, देखिए कीर्ति जी, हम लोग स्वागत करेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो यहाँ गाँव से लेकर के किसी भी जिले से, प्रदेश से, यूपी से लेकर के और दिल्ली तक पहुंच गए, संसद तक मैं गया हूँ। शबनम जी को उत्तर प्रदेश का किसान नहीं दिख रहा है, मेरे साथी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह जी भी वहीं लगे हुए हैं और हमारे जितने साथी हैं। बराबर अभी 3 दिन बाद फिर हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा संसद मार्ग था हमने वहां भी आवाज उठाई है, हर मुद्दे पे आवाज हमने उठाई है और इनका सहयोग करेंगे, इनका पूरा स्वागत करेंगे। ये लोग आए तो गांव क्यों नहीं आते, क्यों इतना गड़बड़ा रहे हैं, क्यों इतना आफत इनको पकड़े जा रही है? आ जाए, गाँव आए, घर आए, हर जगह आए। देखिए, जो आदमी 4 साल में कभी दिखा नहीं, जिसको ढूंढते ढूंढते हम दिल्ली पहुंच गए, आज वो हमारे घर आ रहा, तो उनका स्वागत तो करेंगे हम। भाई हमने वोट दिया है तो सवाल भी पूछेंगे, उनसे जवाब भी पूछेंगे, नहीं देंगे तो उसका भी उनका विचार किया जाएगा। ये हमारे जो आगे नेतृत्व हैं, जो भी जैसा कहेंगे, संयुक्त मोर्चा के लोग कहेंगे कि अगर हल होगा तो ठीक है, नहीं तो वोट की चोट उत्तर प्रदेश में भी देने के लिए आप तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 16 अगस्त से वो गांव गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगे, उनको उनकी परेशानियों को समझेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, तो किसान सम्मेलन का आगाज जैसे ही बीजेपी ने 16 अगस्त करने का ये ऐलान किया, उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर एक के बाद एक निशाना साधना शुरू कर दिया है कि खेती करने वाली पार्टी अब बातें कर रही है, बातों की सिर्फ खेती करती थी और अब किसानों की याद आ रही है जब चुनाव नजदीक है। वहीं इन सबके बीच पिस जाता है किसान, लेकिन सोचने वाली बात यह है अहम कि किसानों की जरूरतों को कौन पूरा करेगा, क्या उन्हें गन्ने का मूल्य मिल पाएगा जो उनकी जरूरत है, 175 हाउस पावर की जो बिजली है उसमें कटौती की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उनको सहूलियत दी जाती है कि नहीं दी जाती, यह अहम हो जाता है क्योंकि तमाम पार्टियां किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती आई हैं और आगे भी यही देखने को मिल रहा है। खैर, इस पर देखना अहम होगा कि किसान किस तरह से बीजेपी को अपने घर में स्वागत करते हैं और किस तरह से वो अपनी परेशानियों को बीजेपी के सामने रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम डिबेट।